आज की जो रेसिपी है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी वाली रेसिपी है। तो मैंने आज बनाया है सुपर टेस्टी चॉकलेट ड्राई फ्रूट स्मूदी, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है और बिल्कुल ही ईजली बन जाता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो बिना किसी देरी के रेसिपी स्टार्ट करते हैं, पर हाँ उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी दो पार्ट में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्राई फ्रूट को सोक करेंगे। तो आपके पास जो जो ड्राई फ्रूट अवेलेबल है या जो जो आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए लिया है मैंने 2 से 3 डेट्स, 4 से 5 काजू और 3 से 4 बादाम। इसको मैंने गर्म पानी में आधा घंटा के लिए सोक किया है ताकि ये बहुत अच्छे से सोक हो जाए और अच्छे से ब्लेंड हो जाए, इसका टेस्ट अच्छा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लेंडर में लेंगे एक केला। अब उसमें डालेंगे रूम टेम्परेचर पर मिल्क, मिल्क बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। अब हम उसमें डालेंगे अपने सोक किए हुए ड्राई फ्रूट्स। फिर हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी, वैसे चीनी की ज़रूरत नहीं है पर मुझे मीठा पसंद है। अब हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर 1 चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 आइस क्यूब, इससे बहुत ही अच्छा स्मूदी बनता है। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे लगभग 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक वो एकदम अच्छे से ब्लेंड नहीं हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ब्लेंड कर लिया और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। अब हम इसे ग्लास में पोर करेंगे। जितना ये देखने में चॉकलेटी और टेस्टी लग रहा है, पीने में भी उतना ही चॉकलेटी था। ये रेसिपी एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। और हाँ, अगर आप ये फास्ट या नवरात्रि के दौरान बना रहे हो तो इसमें आप कोको पाउडर स्किप कर सकते हो, उसके बिना भी ये टेस्टी लगेगी और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक ड्रिंक बनेगी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। आप बच्चों को भी दे सकते हो। मैंने ऊपर से थोड़ा और ड्राई फ्रूट डाला है जिससे कि क्रंची फ्लेवर आता है, तो बहुत ही सही टेस्ट आता है। आज की ये रेसिपी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना, और कौन सी रेसिपी चाहिए ये भी बताना, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।